आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं घटिया न्यूज 24/7। मैं हूं आपकी मेजबान यास्मीन मंसूर। पहले नजर डालते हैं दिन भर की कुछ अहम खबरों पर। मरकजी वजीर दाखिला जम्मू पहुंचे, मौसम नासाजगार होने के बायस डांगरी का प्रोग्राम मनसूख। डायरेक्टर आरडीडी ने बारामूला का दौरा किया। लाल मंडी श्रीनगर में जम्मू कश्मीर पर डेयरी डेवलपमेंट पर डिविजनल ओरिएंटेशन तरबीती प्रोग्राम का इनेकाद। खबरों की तफसील। वजीर दाखिला अमित शाह जुमा के बाद दोपहर जम्मू के दौरे पर पहुंच गए। ताहम खराब मौसमी सूरत हाल के बायस उनका राजौरी जाने का प्रोग्राम मुलतवी किया गया। इधर जम्मू पहुंचने पर वजीर दाखिला अमित शाह की सदारत में एक आला सतही मीटिंग मुनक्किद हुई, जिसमें जम्मू कश्मीर की मजमुई सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया गया। इनकी दुख में सहभागी होना ही उद्देश्य था, परंतु आज मौसम के कारण वहां मैं पहुंच नहीं पाया। सभी के सभी सातों परिवारों के सभी सदस्यों के साथ मेरी टेलीफोन पर बातचीत हुई है और क्योंकि मौसम के कारण मैं जा नहीं सकता था, तो टेलीफोन के माध्यम से उनके दुख के अंदर सहभागी होने का मैंने प्रयास किया है। उनकी जो बातें हैं उसको ध्यान से सुनी है। एलजी श्री मनोज सिन्हा जी भी मेरे साथी थे जब मैं बात कर रहा था। उनका हौसला पूरे देश के लिए उदाहरण रूप हौसला था। महकमा देही तरक्की की तरफ से किए जा रहे मुख्तलिफ तरक्याती कामों की जिस्मानी और माली पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए डायरेक्टर आरडीडी कश्मीर खालिद मजीद ने आज बारामूला जिला का एक वसी दौरा किया। दौरे के दौरान डायरेक्टर ने डाक बंगला में एक मीटिंग की सदारत की और मुख्तलिफ स्पॉन्सर्ड स्कीमों और प्रोग्रामों में किए गए मुख्तलिफ तरक्याती कामों का जायजा लिया। डायरेक्टोरेट ऑफ एग्रीकल्चर कश्मीर में जम्मू कश्मीर में डेयरी डेवलपमेंट पर एक डिविजनल सतह का तरबीती प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। प्रोग्राम का इफ्तिताह डायरेक्टर ज़राअत कश्मीर चौधरी मोहम्मद इकबाल और महकमा हवानात की डायरेक्टर पूर्णिमा मित्तल ने मुश्तरका तौर पर किया। हमारे नुमाइंदे मुस्तफा जमील की रिपोर्ट के मुताबिक नौगाम सनवारी में कई सियासी कारकुनान ने आज बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। शमूलियती तकरीब सनवारी बांडीपोरा के पाइन नौगाम गांव में हुई, जिसकी सदर जिला जनरल सेक्रेटरी बांडीपोरा पीर मंजूर अहमद ने की। इस तकरीब में हल्के सदर बिलाल अहमद वानी, मोहम्मद कासिम, हल्का नायब सदर इम्तियाज अहमद, हल्का जनरल सेक्रेटरी और मुख्तियार अहमद एग्जीक्यूटिव मेंबर बीजेपी के अलावा पार्टी के दर्जनों कारकुनान ने शिरकत की। भारतीय जनता पार्टी के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के, पीडीपी के, कांग्रेस के जो पुरानी वर्कर है, उन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है और इंशाल्लाह रहमान इन्होंने जो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की आज जो पार्टी चूज़ की है, एक्सपेक्टेशन है कि इंशाल्लाह आने वाले कुछ दिनों में इससे भी यहाँ पर बहुत बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है इन्हीं के वसात से, क्योंकि जो आज इन्होंने लाड़ प्यार से यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है। हमारे बीच में आज यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूंसी के जो प्रेसिडेंट है बिलाल साहब और हमारे बीच में यहाँ पे इम्तियाज़ साहब है जो कॉन्स्टिट्यूंसी के जनरल सेक्रेटरी है और हमारे यहाँ पे मोहम्मद कासिम मीर साहब है जो वाइस प्रेसिडेंट है और मुख्तार साहब है, बहुत सारी हमारी अपनी यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिन्होंने मेहनत की है और करीबन 200 के लोग यहाँ पे जमा थे आज, जिन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। और इनके जो कुछ ग्रीवेंसेस है, जैसा कि यहाँ पे इन्होंने बैंक की बात कही है कि काफ़ी अरसे से हमारी डिमांड थी कि नौगाम संभल सोनावारी को एक जेके बैंक का ब्रांच मिलना चाहिए और हमने कोशिश की है इंशाल्लाह आने वाले कुछ कम समय में वो इनकी जो डिमांड है वो पूरा हो जाएगी। और हमारे नुमाइंदे आसिफ मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक आज समाजी कारकुन शेख जमशेद ने नजीर अहमद किरमानी, साहिल पठान और मोहम्मद अमीन लोन के साथ पीडी एग्जिन गेट हंदवारा के सामने भूख हड़ताल की क्यादत की। यह एहतजाज मागाम के इलाके में बिजली की सप्लाई में मुसलसल और गैर तय शुदा कटौतियों के खिलाफ किया गया।
ऑफिस के नीचे गेट पर ही हमने आज फैसला लिया था कि हम हंगर स्ट्राइक पे बैठेंगे। हमने यहाँ पे हंगर स्ट्राइक किया था, हमने 11 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक हंगर स्ट्राइक रखा था। और इसमें हमारे साथ बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट्स थे, नज़ीर अहमद किरमानी साहब, साहिल पठान साहब और मोहम्मद अमीर लोन साहब हमारे साथ इस प्रोटेस्ट में थे। ये एक पुरामन एहतजाज था PDD ऑफिस के गेट पर ही, क्योंकि मागाम नाड में तकरीबन 40 से ज्यादा गांव जो कि वहां पे एक रिसीविंग स्टेशन है, 6.3 मेगावाट का वहां पे ट्रांसफार्मर है, तो हमें 2 घंटे सिर्फ बिजली मिलती है। इसी सिलसिले में हमने आज पीडीडी एग्जाम ऑफिस के गेट के सामने ही हंगर स्ट्राइक रखा था। हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं DC साहब के जो कि वहां पे आए, उन्होंने हमारी ग्रीवेंस जो है एड्रेस किए। और हमारे नुमाइंदे आसिफ मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा डियोफोर्ड सागर दत्तात्रेय ने सब जिला के कई इलाकों का दौरा करके बर्फ साफ करने के ऑपरेशन और जरूरी खिदमात की फराहमी की सूरत हाल का मुआयना किया। हमारे नुमाइंदे जावेद गुल की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग डॉक्टर बशारत कयूम ने मुख्तलिफ इलाकों का वसी दौरा किया। उन्होंने सरकारी अस्पताल जंगलात मंडी और सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बिजबिहारा का भी दौरा किया और अमले और मरीजों से बातचीत की। उन्होंने अस्पताल के हुकाम को हिदायत की कि तबी अमले की 24 घंटे दस्तियाबी को यकीनी बनाया जाए। डॉक्टर बशारत ने बिजबिहारा में KPDCL वर्कशॉप का भी दौरा किया। उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि ट्रांसफार्मरों में किसी भी किस्म की खराबी को बगैर किसी ताखिर के बहाल किया जाए। हमारे नुमाइंदे आदिल अब्दुल्ला की रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी के सीनियर लीडर और जिला सदर बानीपुरा नसीर अहमद लोन ने ACR बानीपुरा का आवामी शिकायत को दूर करने के लिए शुक्रिया अदा किया। इधर गुरेज में एक बार फिर बाद दोपहर से भारी बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ। पेश है गुरेज से हमारे नुमाइंदे जहीर अहमद की ये रिपोर्ट। मौसम के हवाले से जहां तक हम बात करें, आज सुबह से जो है गुरेज में रुक रुक के बर्फबारी हो रही थी, वहीं बाद दोपहर से थोड़े से मौसम में सुधार आया था, कहीं कभी धूप तो कभी हल्की सी बर्फबारी हुई। वहीं अगर इस वक्त की हम बात करें, गुरेज में ज़बरदस्त बर्फबारी हो रही है, जिस वजह से जो अंदरूनी सड़कें हैं वो सारी ब्लॉक हो चुकी है। दावर से कंजरवन का जो रोड है वो पहले ही ऑलरेडी ब्लॉक हुआ है, ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। जो हमारे पीछे आप देख रहे हैं इस वक्त ज़बरदस्त जो है बर्फबारी का सिलसिला जारी है। घड़ियाल न्यूज़ 24/7 के लिए कैमरामैन सुल्तान के साथ गुरेज से मैं जहीर अहमद। इसी के साथ खबरों का आज का शुमारा यहीं पर इख्तिताम को पहुंचता है। आप दीजिए मुझे इजाजत, शब बख़ैर।